शांति का राजा चैनल की सभी दर्शकों को मेरा जय येसु। आज मनन चिंतन का हमारा विषय है ग्रीड यानी लालच। लालच एक आध्यात्मिक बीमारी है जो हमारे जीवन में पाई जाती है। यह हमारे जीवन में इसलिए पाई जाती है क्योंकि हमारे जीवन में कई चीज़ों का अभाव रहता है। आइए इस लालच जैसे शब्द को समझने के लिए मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसे आप सब भी जानते हैं। बचपन में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार किताबों में लिखा हुआ था कि जंगल में अगर बंदर को पकड़ने जाएं तो हम किस प्रकार पकड़ेंगे। एक छोटे मुंह की बोतल में चने डालकर उसे पेड़ पर लटका दिया जाता है, जिसे धागे से बांधकर उसे खींचा जाता है। जब बंदर चनों की लालच में सामने आता है तो वह अपने हाथ को बोतल में डालता है, और जब वह अपने हाथ को निकालने का प्रयास करता है तो वह अपने हाथों को खींच नहीं पाता क्योंकि उसकी मुट्ठी बंद रहती है। उसकी मुट्ठी में वह चने तो रहते हैं लेकिन उसका हाथ वापस बाहर नहीं आ पाता। इसका कारण यह है कि वह उन चनों को पाने के लिए अपने हाथ वहाँ से नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि वह उसी हाथ को उस बॉटल में लिए बहुत ही तड़प रहा है, चिल्ला रहा है और चिल्ला चिल्ला के बचने का प्रयास कर रहा है लेकिन उस चनों को नहीं छोड़ रहा। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, यही है लालच। यदि वह उन चनों को वहीं छोड़कर आसानी से अपना हाथ निकालना चाहे तो निकाल सकता है। यही मनुष्य की स्थिति होती है कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत चीज़ें पाने की आशा रखता है और उन चीज़ों को पाने के लिए उन्हें पकड़े रहता है और उनके साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। वह पाने को तो सब कुछ पा सकता है लेकिन उसके मन में, उसके जीवन में और उसके परिवार में कभी शांति नहीं होती। आइए धर्मग्रंथ के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करें, जहां प्रभु यीशु अपने शिष्यों को एक दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। संत लूकास अध्याय 12 पद संख्या 13 से 26 तक हम पढ़ते हैं कि प्रभु अपने शिष्यों को कहते हैं, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता। अर्थात वह अपने जीवन की रक्षा ना सिर्फ पैसे पाकर कर सकता है। आगे देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहाँ अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा, उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वह सब किसका होगा। यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं रह पाता। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन के माध्यम से आज प्रभु हमें समझाना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में एक लालची व्यक्ति के समान धन इकट्ठा करने से हमारे जीवन का निर्वाह नहीं होता। अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें अपने जीवन में ईश्वर की कृपा की ज़रूरत है। ईश्वर की कृपा के माध्यम से हम ईश्वर को अपने जीवन में महसूस करते हैं और उसकी कृपाएं प्राप्त करते हैं। लालच सिर्फ व्यक्ति के जीवन को नष्ट करता है क्योंकि यह एक आध्यात्मिक बीमारी है। जब व्यक्ति लालचमय स्वभाव में पड़ता है तो वह न केवल उस चीज़ को पाने का स्वार्थी बन जाता है बल्कि उस चीज़ को पाने के लालच में कई लोगों का जीवन नष्ट करता है, अपने परिवार का, स्वयं का और उससे जुड़े सभी लोगों का, क्योंकि उसके जीवन में उसको पैसा और दौलत के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। आइए इस चालीसा काल में हम प्रण लें और मनन चिंतन करें, क्या हमने अपने जीवन में लालच जैसा स्वभाव धारण कर रखा है?
और यदि हाँ तो हम उसे त्यागने का प्रयास करें। कुछ पल मौन रहते हुए हम मनन चिंतन करें कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना सिर्फ पैसे की ज़रूरत है बल्कि ईश्वर की कृपा की। आइए हम सभी प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के वरदान के लिए, और जो भी हमारे जीवन में है जो आपने हमें दिया है, हमें ऐसी कृपा प्रदान कीजिए कि हम सदा आपके कृतज्ञ बने रहें, और जो भी आपने हमारे जीवन में हमें प्रदान किया है हम उसे अपने पास स्वार्थी के समान ना रखें, लालच पाकर उसे इकट्ठा ना करें, बल्कि एक उदार दिल पाकर उसे दूसरों के साथ बांट सकें, जिससे हम भी आपके प्रिय शिष्य बन सकें और आपके प्रेम की गहराई को महसूस कर सकें। यह प्रार्थना हम आपके पवित्र नाम पर मांगते हैं, आमीन।